क्या पर सीधा कर लो बड़ा दानी रमजान भी मनाएंगे कोरोना सादा ही में आज कट बन पीजा कहीं बरगत देखिए ये हमने किया है ईद पे लोगों को मुबारकबादी देने के लिए, हमने यहाँ मिठाइयाँ बांटी है, सैनिटाइज़र बांटा है और मास्क बांटे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंस रखना है, कैसे आप ईद मनाओगे, घर में बैठ के नमाज़ पढ़ो और बाहर ज़्यादा मत निकलो, इस बारे में हमने इवेंट किया है। ये तो सिविल तरीके से, लेकिन हमें इंडियन आर्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया इसमें, वो सैनिटाइज़र मास्क वगैरह उन्होंने पीपी किट भी भेजे हमें। हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी अगर आगे भी हमारा सपोर्ट करेंगे सैनिटाइज़र का, पीपी किट का, और उन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन की भी अवेलेबिलिटी रखी है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगी। इसमें हमने मिठाइयाँ रखी है, डेट्स रखे हैं और सैनिटाइज़र मास्क रखे हैं। देखिए एक तो ईद है, ईद मुबारक के लिए है, आज हम लोगों ने यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी है और दूसरा ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी था इसमें, तो हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आज आप लोग इस वबा के दौर में जो इस वक्त चल रहा है तो आप किस तरह महफूज रह सकें, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर सैनिटाइज़र वगैरह बांटे और मिठाई भी बांटी हैं और लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप अपने घरों में रहेंगे, आप अपने घरों में महफूज रहेंगे। और डे फर्स्ट से ही इंडियन आर्मी ने हमारा साथ इसमें दिया, जहाँ जहाँ पर भी हमारा जो प्रोग्राम होता है या अवेयरनेस प्रोग्राम होता है हमारा, तो ये कंटिन्यू हमारे साथ होते हैं। और मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ 10-12 दिन में जो इस वक्त दिल्ली में जो हालत है या बाकी स्टेट्स में जो हालत है, तो हो सकता है वो कश्मीर में होने वाले हैं, तो मेहरबानी करके आप ईद बिल्कुल सादे तरीके से मनाएं और कोशिश करें कि ईद की नमाज़ अगर घरों में पढ़ी जाए तो बेटर है वही, क्योंकि जो हालत आने वाले हैं इन 10 दिन में वो बड़े ख़तरनाक हालत होने वाले हैं यहाँ पर। और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर अपने घरों में रहेंगे और ख़ासकर बच्चों को घर में ही रखिए तो महफूज रहेंगे।